देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12वीं के छात्र देख रहे हैं इंग्लिश का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर नंबर 2। ये 12वीं की क्लास है और 12वीं की इंग्लिश में हमने टोटल 4 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं और उन 4 में अगर 4 मॉडल पेपर आपने देख लिए तो गारंटी के जो छात्र पास होने की भी उम्मीद नहीं लगा सकते वो कम से कम 70-80% नंबर जरूर लाएंगे। तो आज के मॉडल पेपर में हम आपको दिखा रहे हैं पोएट्री में क्या चीज़ें आ सकती हैं। पोएट्री के जो पैसेज बनाने की विधियाँ हमने आपको फर्स्ट पेपर में बताई हैं। सेकेंड में है आपके सेंट्रल आइडिया, जिसमें से 2 अध्याय के सेंट्रल आइडिया हम पहले बता चुके हैं। तीसरा ये है ओन हिज ब्लाइंडनेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, ओन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। ये मिल्टन की स्वयं की एक कविता है जो सोनेट उसे कहते हैं, जो 14 लाइनों की कविता लिखी जाती है। इट्स सो दैट द वे ऑफ गॉड आर जस्ट, इट्स सो मैंने ये दिखाती है दैट मैंने कि द वे ऑफ गॉड मैंने ईश्वर का जो रास्ता होता है आर जस्ट मैंने वही सही होता है। द पोएट लूज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, कवि ने अपनी आंखों की रोशनी 44 वर्ष की आयु में खो दी थी। ही कैन नॉट यूज इट पोएटिक टैलेंट इन द एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड, और वह अपनी जो कविता का जो गुण था उसका प्रयोग वह ईश्वर की सेवा के लिए नहीं कर सका। सो वन इसलिए ही कंप्लेन द गॉड, इसलिए इसमें उसने ईश्वर से शिकायत की। सुन माने जल्दी ही, ही रियलाइज जल्दी उसे रियलाइज मैंने महसूस हुआ हिज मिस्टेक मैंने अपनी गलती का। ही फील्स उसने महसूस किया दैट मैंने कि गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, कि वह किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न वापस नहीं चाहता है गिफ्ट के रूप में। उसने देखिए इसी को ही फील्स दैट उसने महसूस किया कि गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न, इस पर किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं चाहता फॉर हिज गिफ्ट माने अपने लिए गिफ्ट के रूप में। थाउजेंड ऑफ एंजल्स वर्क फ्रॉम हिम, मतलब हजारों देवदूत उनके लिए काम करते हैं। ऑन लैंड एंड एशियन, मतलब जमीन में और समुद्र में भी। द ओनली सर्विस ऑफ गॉड, द ओनली सर्विस ऑफ गॉड माने ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है, इज टू बियर पेशेंसली, इज टू बियर माने सहन करो पेशेंसली माने धैर्य से ऑल द मिसफॉर्च्यून। इसका मतलब ये ईश्वर ने जो भी कष्ट आपके भाग्य में लिखे हैं अगर उसे आप हंसते हुए सहन करते हैं तो यही ईश्वर की थोड़ी सेवा होती है। इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन टू विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस टू हिम। इसका इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज द बेस्ट सर्विस ऑफ हिम। यदि हम ईश्वर के दिव्य कष्टों को सहन करें यही हमारी सच्ची सेवा होती है। तो ये था आपका तीसरे अध्याय का, मतलब तीसरा ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का आपका सेंट्रल आइडिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये पूरी लाइनें नहीं, अगर आपका 75% लाइनें भी आप पेपर में लिख के आते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के हिसाब से। देखिए इसमें हमने लिख दिया है और ये है चौथा, आप खुद चेक करेंगे पेपर से लौट के आकर कि जो हमने बताया है सिर्फ वही चीज़ें मिली हैं। माई ह्यूमन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें क्या है, द पोएट डिस्क्राइब फॉर आइडियल परफेक्शन इन हिज मदरलैंड, ही वांट्स रियल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। ही वांट्स मतलब वो चाहता है रियल माने वस्तु एंड स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक फ्रीडम माने स्वतंत्रता, वह वास्तविक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहता है। ही वांट्स हिज कंट्रीमैन, वह चाहता है कि उसके देशवासी टू बी फियरलेस भयमुक्त हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्टिंग आत्मसम्मान वाले हों एंड फ्री और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें फ्रॉम नैरो लॉयल्टी यानी छोटी छोटी जो इनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना उससे वो अपने आप को फ्री महसूस करें। मैन शुड बी परफेक्टली रिस्पॉन्सिबल, मैन मैंने लोगों को शुड बी माने होना चाहिए परफेक्टली माने पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल माने एंड शुड ऑलवेज ट्राई टू परफेक्शन, एंड शुड माने करना चाहिए ऑलवेज में हमेशा ट्राई टू परफेक्शन माने हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। हिज
कंट्री विल देन बी ए हेवन इन इटसेल्फ। इस प्रकार हिज कंट्री मैंने उसका देश विल देन बी ए हेवन इन इटसेल्फ। इस प्रकार वो अपने देश को स्वर्ग के बराबर उठा सकता है, या ये कहा जा सकता है स्वर्ग के जैसा बनाया जा सकता है। ये आपका अंतिम और लास्ट मतलब पोएट्री में मात्र आपको 5 सेंटर आइडिया याद करने से, जिसमें से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर उनके नाम हम चेक कर लेते हैं। एक है आपका प्रोलुटी ओनिक ब्लेंडनेस द सॉन्ग ऑफ फ्री। इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप याद तो जरूर करिए, लेकिन आप लौट के आके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या है द पोइम द सॉन्ग ऑफ फ्री, मतलब ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ फ्री कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। टेल्स अस उन्होंने हमें बताया कि ऑफ द वर्किंग ऑफ ह्यूमन सोल, इट टीचेज उन्होंने शिक्षाएं दी अस माने हमको, द ग्रेट स्पिरिचुअल माने महान अध्यात्म की, ट्रुथ माने सच्चाई की, दैट ह्यूमन सोल इट डिवाइन इन कैरेक्टर, इट ऑलवेज एस्पायर टू रीच इट्स गोल दैट इज कम्युनियन द गॉड। ये कम्युनिकेशन से लिया गया है इन शब्दों को, कि ये आपका 5 से 6 लाइनें हैं जो अति महत्वपूर्ण है, और इसे आप तैयार करके उपयोग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपरों में बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपका बन सकता है, दूसरा वाला है आपका व्हाई वाज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल। ये आपके पहले अध्याय से कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन द नेशन ए गर्ल विथ अ बास्केट, मैंने किस प्रकार लेखक हाईली इम्प्रेस्ड माने अति प्रभावित हुआ उस छोटी लड़की के व्यवहार से। उसका द ऑथर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका जो आत्मसम्मान था हॉनेस्टी माने ईमानदारी की, एंड डिग्निटी ऑफ द लिटिल गर्ल। अगला प्रश्न है व्हाट फोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट, मतलब किस प्रकार लेखक बाध्य हो गया उसकी बास्केट खरीदने के लिए। द डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर टू बाई हर बास्केट, बहुत तरल सा है तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए जिसमें निशान लगा हुआ है व्हाट डिड मिलियन ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया बिकॉज फॉर द रिलीजियस कंसर्न, जो धार्मिक बंटवारा हुआ था उस दौरान भी कई लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर बाय विलियम सी डगलस, मतलब विलियम सी डगलस ने कौन सी कहानी जो सुनाई थी। ऑथर टोल्ड द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल, उसने उस छोटी लड़की की आत्मसम्मान की कहानी सुनाई, एंड हाउ शी रिफ्यूज टू टेक हिज हेल्प फॉर मनी, और किस प्रकार उस बच्ची ने लेखक को द्वारा दी जाने वाली मदद को बिल्कुल मना कर दिया था, इस कहानी को उन्होंने बताया। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकर्ट्स ऑन द राइटर या ऑथर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकर्ट्स ऑन द ऑथर, बच्चों ने लेखक को टिड्डियों के झुंड की तरह घेर लिया बिकाजों ने, क्योंकि ही वाज फॉर द क्योंकि वो एक विदेशी था, एंड दे थॉट और वो सोचते थे दैट ही वुड बाई दियर बास्केट एंड फैन, और वो जानते थे कि वही उसकी सारी डली और पंखे खरीद सकते हैं। तो ये थे पहले पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 3-4 प्रश्न हमने देखे, उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट से, द फेलो ट्रेवलर से कितने प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये फेलो ट्रेवलर देखिए तीसरा प्रश्न बन रहा है आपका, व्हाट डज द ऑथर डिसाइड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो, द ऑथर डिसाइड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो बिकॉज ही डेवलप्स ए डिस्टेंस
रिलेशनशिप फॉर इट द ऑथर डिसाइडमेंट लेखन ने निश्चय किया टू बी मर्सिफुल माने दयावान होने का टू द मॉस्किटो माने मच्छर के प्रति बिकॉज माने क्योंकि ही डेवलप ए डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर इट क्योंकि वह दूर का एक रिश्ता उसके साथ बनाना चाहता था जो फ्रेंडली रिश्ता था। नेक्स्ट व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो स्टूडेंट किस प्रकार लेखक ने निश्चय किया कि वह अपने सहयात्री को दंड देगा। द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर बिकॉज क्योंकि इट बिट हिज नोक क्योंकि वह उसके नाक पर बैठ गया एंड ट्रबल्ड हिम अगेन एंड अगेन और बार बार परेशान करने लगा इन स्पाइट ऑफ इट वार्निंग उसकी चेतावनी के बावजूद भी वह लेखक को परेशान करने लगा। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन रहा है इसमें हु वाज द ऑथर फेलो ट्रेवलर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप कहें तो इस प्रश्न की सोमे सोना की इस वर्ष में पूछ जाएगा हु वाज द फेलो ट्रेवलर इन द स्टोरी बाई रिटन बाई एजी गार्डनर। एजी गार्डनर के अनुसार जो सहयात्री था लेखक था वो कौन था ए मॉस्किटो वाज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर एक मच्छर जो था वो एजी गार्डनर का सहयात्री था। When the mosquito came and sat on his nose, जब मच्छर आया और लेखक के नाक पर बैठ गया ही बिकम अवेयर ऑफ इज फेलो ट्रेवलर तो लेखक ने क्या किया उसको इग्नोर किया अवेयर माने जब किसी चीज को इग्नोर किया थे अवेयर बहाना बनाया ऑफ इज फेलो ट्रेवलर। अगला एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम करेंगे चलिए मैं इसको बोल देता हूँ सेट नहीं हो पा रहा इसमें कैमरे में। When did एजी गार्डनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर ये प्रश्न वैसे आपको हो चुका है महत्वपूर्ण भी है ये तो इसको आप इससे लिखेंगे एजी गार्डनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर व्हेन इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज ये था इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग उनको देखते हैं।